सम्मान्य सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग शनिवार को किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं और सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फिर गीता जी पर विचार करते हैं। पूरे विश्व में सनातन धर्म का जो यह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, यह मान्य है। जितने विश्व के दार्शनिक हुए हैं सबका एक मत है कि विश्व स्तर पर कोई एक ग्रंथ है तो वह गीता है, क्योंकि पश्चिम वाले ये मानते थे कि आदमी जो काम करता है, जो कर्म करता है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा रहती है। गीता एक ऐसा धर्म शास्त्र है जो कहता है कि कर्म के पीछे जब तक प्रेरणा और कामना है तब तक वो बंधन का कारण है, वो कामना मिट जाए तो फिर वो कर्म योग है। ये इन बातों से विदेशी दार्शनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है? और ये सारी बातें गीता में है। और तब उन्होंने कहा कि ये सचमुच अमूल्य ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ है। तो आज हम लोग अध्याय दो के 41 से लेकर 45 तक श्लोक का पाठ करेंगे। ये आप लोगों में पेज नंबर 52 होगा, 52 होगा मिला। ये अध्याय दो का 41वां श्लोक है, ऊपर में उसे ही श्लोक है, ऊपर से है ना। व्यवसायिका बुद्धि बुद्धयो आव्यवसायिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेद वाद रताः पार्थः नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगे स्वर्ग गतिम प्रति भोगे स्वर्ग प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बस इतने। आज का प्रसंग बड़ा आनंददायक और गंभीर भी है, इसलिए जब गीता आरंभ हो ना तो थोड़ा सा गंभीरता, थोड़ी गंभीरता अपेक्षित है। ये गीता की धारा कुछ अलग चलती है, इसलिए गीता को उसी भाव से सुनना चाहिए। क्यों? हमारे मन में जन्म से मृत्यु पर्यंत जो एक भ्रांति बनी हुई है कि सारा सुख संसार में ही है और यहीं से सब सुख मिल रहा है, गीता
थोड़ी बात इससे हटकर कहती है तो कभी कभी लगता है ये सब फिजूल बात है, छोड़ो, जहां आनंद में है वही ठीक है, ये बात नहीं है। क्योंकि हमने नकली सुख को अपना असली सुख मान लिया है, तो गीता ये कहती है कि तुम सही में कैसे पहुंच सकते हो। पहला जो श्लोक है व्यवसायित्म का बुद्धि, ये व्यवसायित्म का बुद्धि क्या है? व्यवसायित्म का बुद्धि कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, वह बुद्धि जो इधर से उधर विचलित ना हो। अब हम लोग कोई काम करते हैं तो ध्यान कभी उधर, ध्यान कभी उधर, सोच रहे हैं कुछ, कर कुछ रहे हैं। गीता कहती है हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। ये कर्मयोग की बात चल रही है। कर्मयोग किसको कहते हैं मालूम? कर्म और कर्मयोग में क्या अंतर है? हम लोग संसार में बहुत कर्म करते हैं तो कर्मयोग किसको कहते हैं? कर्म से जब कामना और वासना हट जाए तो वही कर्म कर्मयोग हो जाता है, बस ये समझिए। कर्म में जब आज हम इस पर बोलेंगे, और कर्म में जब कोई कामना नहीं हो, कर्म के भीतर कोई वासना नहीं हो तो वही कर्म योग है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की परम अनिवार्यता है। देखो अच्छा, ज्ञान योग में बुद्धि हमेशा निश्चयात्मक, तीन तरह के योग गीता में, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, समझिए आप। ये तिलक जी ने जो व्याख्या गीता की है वो कर्मयोग की व्याख्या की है, किसी ने भक्ति योग की, किसी ने ज्ञान योग की। तो ज्ञान योग में बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, क्यों? इसलिए कि ज्ञानी पुरुष स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है उसको अपना, तब वो ज्ञानी बनता है। लेकिन कर्मयोगी और भक्ति योगी जब बुद्धि को अस्थिर कर लेता है तब वो कर्म योगी और भक्ति योगी बनता है। दोनों में यही अंतर है मूल अंतर। इसीलिए ज्ञान योगी की बुद्धि विचलित नहीं होती। बड़े बड़े योगियों के पास आप बैठे रहिए अस्थिर, क्यों? उसने उस स्वरूप को पा लिया है। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में हे अर्जुन, कर्मयोगी, देखो कर्मयोग में मन व्यवसायित्म का बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, बुद्धि जो है वो हमेशा अस्थिर रहनी चाहिए। और कहते हैं अस्थिर विचारवान विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां ही निश्चय बहुत भेदों वाली हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या हैं? एक तो कहा कि कर्म योगी हुआ है कि जिसकी बुद्धि अस्थिर हो, और काम करने वाला कौन है? जिसका मन चारों तरफ जाए, यहां कर रहे हैं चलो जरा उधर भी चलने, चलो जरा उधर भी चलने। हम लोग तो ऐसे दिन रात इस पर संचालित होता रहता है मन। देखो गीता, गीता बड़ी मर्म की बात कह रही है। गीता मर्म की बात कह रही है कि हमारे दुख का कारण, हमारी पीड़ा का कारण और हमारे भीतर जो विचलन है, इसके मूल कारण यह है कि हमारी बुद्धि बहुत अस्थिर है, ये व्यवसायिक का बुद्धि नहीं है। कहता है ये क्यों है? अब भगवान बताएंगे कि ऐसी बुद्धि क्यों हो जाती है। देखिए ऐसी बुद्धि तब होती है, नीचे कहते हैं याम इमाम पुष्पितं वाचम, ये तीन श्लोक जो 42, 43, 44 है, इसका अर्थ होता है भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहा है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखता है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और किसी दूसरी वस्तु में उसको कोई प्रेम नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार से बहुत सी क्रियाओं को करते हैं, जिनके जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मा का बुद्धि नहीं होती है। अब देखिए इसकी व्याख्या थोड़ी समझने लायक है। इसकी व्याख्या ये है
है कि ये जो हम लोग जितनी साधना कामना से करते हैं ना, वहां बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। ये जितनी सगुण उपासना है, आपको क्या, आप, मैं इस पर बोलूंगा आपको लगेगा क्या तो उल्टी बातें बोलने लगे। ये आप जितनी कर्मकांड की धारणा और उपासना करते हैं उसमें बुद्धि आपकी अस्थिर रहती है। क्यों? इसलिए अस्थिर रहती है कि जैसे हम दुकान चलाते हैं वैसे हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं। दुकान चलाते हैं इसलिए, नौकरी करते हैं इसलिए कि कुछ माल मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। हनुमान जी के पास भी इसीलिए आए हैं कि जो व्यापार में 1 लाख मिल रहा है तो कल से 1.25 लाख मिलेगा। ये दोनों कर्मों में कोई अंतर नहीं है। गीता कहती है तुम दुकान चलाओ कि हनुमान मंदिर आओ, तुम सुंदरकांड का पाठ पढ़ो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उद्देश्य तो तुम्हारा एक ही है। क्या उद्देश्य है? पैसा मिले, खूब संसारी भोग करें, एसी लगा लें घर में, जाड़े में हीटर लगा रहे, खूब आनंद करें, ये वाली गाड़ी है तो वो वाली गाड़ी मिल जाए, ये भोग का सुख मिले, तब बुद्धि व्यवसाय का नहीं होगी, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी। तो आपके मन में होता होगा जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? बिना उद्देश्य के, बिना प्रेरणा के भी काम होता है। आप कहेंगे कैसे? आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई आदमी आगे आगे चल रहा है, उसका कैश का बैग या मान लो उसके पास एक छाता है वो गिर जाता है, आप बिना उसको कहे, बिना सोचे, इसके लिए कोई आपके मन में भाव नहीं था, छाता उठाकर उस व्यक्ति को दे देते हैं और चल पड़ते आगे, करते हैं ऐसा कि नहीं? इसमें आपकी कोई कामना वासना है, कुछ आपके मन में भाव है, कुछ नहीं है? ये सहज भाव से पैदा हुआ। जो सहज भाव से कर्म होता है ना, वही कर्म योग है, जिसमें कहीं कोई कामना का भाव नहीं है। गए सड़क पर, देखे कि एक विकलांग आदमी सड़क पार नहीं कर रहा है, आपकी दृष्टि पड़ी, भाव पैदा हुआ, उसको पकड़कर आपने सड़क पार कर दिया, वो चला गया, आप भी चले गए। ये सहज कर्म है, और सहज कर्म जो होता है ना वो सर्वोत्तम कर्म है, वही निश्चयात्मक बुद्धि है। और तब एक बार मैं गीता पर इसे बोल रहा था तो एक आदमी ने कहा, आप तो बराबर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहते हैं, तो हमसे क्यों पढ़वाते हैं? मैंने कहा इसलिए पढ़वाते हैं कि अंत में सगुण उपासना भी वही जाकर रुकती है। कहां जाकर रुकती है? अंत में आपके भीतर के सारे मांगने के भाव मिट जाएंगे। जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र थे, यानी शुरू में नरेंद्र जब गए रामकृष्ण परमहंस के पास, तो कहा नरेंद्र बताओ आते क्यों नहीं मेरे पास? कहा गुरुदेव क्या आऊं, मैंने कथा वो कही थी जब गए थे, मेरे घर में रोटी नहीं है, परिवार को भोजन तक नहीं मिलता, पिताजी जब से मर गए ना मेरे घर की हालत बहुत खराब है, रात दिन उसी चिंता में रहता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद उतने बड़े आदमी हो गए थे, उतने बड़े, मृत्यु के 1 साल पहले तक उनके घर का झगड़ा था, वो केस लड़ने के लिए हाईकोर्ट जाते थे, आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसी स्थिति थी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत रोज तंग करता है नरेंद्र, एक दिन माँ को जाके क्यों नहीं कहता, जाओ माँ को कहो, कहा आप ही गुरुदेव का दुर, मुझे क्यों, कहा तुम जाओ तो आज। रामकृष्ण परमहंस ने भेजा, नरेंद्र गए तो एकदम प्रत्यक्ष देखा देवी को, हतप्रभ हो गए, इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, एकदम नाचते हुए बाहर निकले। कहा और नरेंद्र आओ, मांग लिया, माँ ने दे दिया ना, सारी व्यवस्था हो गई ना? कहा नहीं प्रभु कुछ नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा गए कि माँ का वो दिव्य रूप मैंने देखा, तो कहा भूल ही गया क्या मांगना और क्या सोचना, सब खत्म हो गया, इस तरह आनंद की वर्षा हुई महाराज, सब खत्म हो गया। कहा फिर दोहरा के जाओ, फिर दोहरा के गए, माँ इस बार और दिव्य रूप में प्रकट हो गई दक्षिणेश्वर में, इस बार तो नरेंद्र और सब कुछ भूल गए। कहा क्या अखंड आनंद है। थोड़ी देर के बाद फिर उसी तरह से मुस्कुराते हुए नरेंद्र निकले। कहा बेटा मांग लिया ना इस बार, मांगा कि ना माँ से बोले नहीं जो मेरे पास बोले थे? फिर नरेंद्र ने कहा गुरुदेव अब लीला बंद करो, ये नहीं होगा। कहा तीसरी बार फिर जाऊंगा। तीसरी बार गए नरेंद्र और माँ इस बार दिव्य रूप में थे, तो देने के लिए तैयार, कुछ मांग लिया नरेंद्र,
ले ले तुम जितना जो लेना। अब नरेंद्र सब बात ही खुल गया, हम आए थे किस लिए? वो जितनी सांसारिक जगत की कामना वासना मांग दुख सुख सब धुल गया। नरेंद्र आकर गुरु के चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद के सामने भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए ना, कहा मांग बेटा प्रहलाद मांग। कहा प्रभु अब मांग अब भी शेष रहा कुछ, अब क्या मांग खत्म। ये दिव्यता है, मैं इसलिए कहता हूं सुंदर कांड पढ़ो और हनुमान मंदिर जाओ, एक ऐसी स्थिति आपके जीवन में उतरेगी ना कि आपका महाराज हो जाएंगे, आपको मांगना ही आपके भीतर का बढ़ जाएगा। अरे ये गंगा के किनारे का सेवक जो बेचारा दो चार रुपया कमाता था और परिवार चलाता था, और भगवान राम से मुलाकात हो गई, उस पार गया और पहले क्या कहा, क्या कि केवट अब देखो भगवान राम से दुनिया मांगती है। पूरी राम कथा में केवट प्रसंग ही ऐसा है जहां से मांगी सबसे शुरू होता है। मांगना वना केवट याना, भगवान पूरी गाथा में पूरे जीवन में किसी से मांगते हैं तो किससे मांगते हैं, केवट से मांगते। देखो किसी से नहीं मांगना महाराज। मनु महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, मनु महाराज ने मांगा। भगवान बड़े होशियार है, क्यों मांग पाया मनु महाराज से? मनु महाराज से जीवन भर लोगों ने मांगा और वो देते थे, वो जानते तो नहीं थे कि याचना क्या होती है, मांग क्या है। कहा इसमें अभी भी देने का भाव है, इसीलिए कहा राजा मांग, तुम मांग क्या चाहते हो, उसके देने का भाव खत्म हो गया। और केवट ने जीवन भर लोगों से मांगा था, समझिएगा जीवन भर मांगा था, इसलिए भगवान जाकर मांगते हैं इसके भीतर का मांगपना आज खत्म कर देते हैं, इसके भीतर के मांगने का भाव ही मिटा देते हैं। और जब उस पार गया तो केवट से कहा कि ए केवट कुछ उतराई तुम ले लो। तो केवट ने क्या कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरी दीन दयाल अनुग्रह, आज नाथ मैं काह न पावा। अब सुनिए केवट का वाक्य, कहता है महाराज आज मुझे क्या नहीं मिल गया, क्या नहीं मिल गया। अच्छा बताइए तो केवट को अयोध्या का राज दे दिया भगवान ने, केवट को महल बनवा दिया, क्या किया केवट के लिए श्री राम ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन ईश्वर के दर्शन से अगर आपके मन में यह भाव है कि मेरा 2 BHK समुद्र सोसाइटी हो जाएगी या महल बन जाएगा, 4 कार 5 गाड़ी हो जाएगी, तो आपका तो फिर वही व्यवसाय तुमका नहीं, वो नहीं होता है। ये भाव ही, ये कामना ही दुख का कारण है, वही भीतर से मिट जाता है, वही भीतर। जिस दिन वो मिट जाए वही भक्ति है। नहीं तो देखते हैं बड़े बड़े भक्त आश्रम में कुटी में क्यों होते हैं, महल में क्यों नहीं होते? और देखो संसार में कितना मिलेगा तो आप खुशी होंगे। परसों तरसों समाचार में आया था कि वो अंबानी बन गए एशिया का सबसे धनी आदमी, नहीं था अखबार में। अब देखो वो एशिया का धनी जब छपा होगा तो बेचारा बहुत प्रसन्न नहीं हुआ होगा, बहुत बहुत दुखी हुआ होगा। क्यों? दुनिया का सबसे धनी आदमी कब बनेगा? नहीं, उसके मन में ये भाव आया होगा अभी तो एशिया नहीं रह गए, नहीं इतना भी नहीं कमा सके, कुछ कम से कम 2-4 महादेश और मिल जाता उसमें धनी हो जाते। और देखो दूसरे की बात छोड़ो, उसके भाई को लगा होगा कि एक भाई हमारा ऐसे